हुआ क्या है बताओ मुझे। अब मुझे कॉन्टैक्ट मत करना, हर जगह मेरा तमाशा बनाने की आदत बदल दो। हम सब खुद से बात नहीं बन पाई तो अपनी माँ से फोन करवा दिया। मेरे लिए जैसे कबीर है वैसे ही तुम। मैंने कभी तुम्हें और कबीर को अलग करने का या नाखुश करने का नहीं सोचा। मैं जानती हूँ तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं यहाँ पे आके आंटी के सामने सारी बात करूँ। मुझे तुमसे नफरत है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या कर रही हूँ मैं? आपने इसको जानबूझ के बुलाया और अब मेरे साथ एंगेज करने की कोशिश कर रही है। सारी प्लानिंग समझ रहा हूँ मैं आपकी। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और फिलहाल मैं जॉब नहीं करना चाहती। तो मेरी फियांसी हो, तुम्हारे किसी भी फैसले का असर हम दोनों की जिंदगी पर पड़ेगा, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। जावेद, इतनी गैर जिम्मेदारी, इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कोई कैसे कर सकता है? छोटी सी बच्ची को यार तुम गाड़ी में अकेला छोड़ के चले गए, हद होती है यार। साहब जी गलती हो गई, मैंने कहा पहले थोड़ा सा सामान ले लूं, और अफजा बेबी कभी ऐसे गाड़ी से नहीं निकले, आज पता नहीं। देखिए ना, यही नहीं होगी, जा कहां सकती है मेरे बच्चों ने, देखिए ना। आलिया पूरा इलाका छान मारे हैं यार, कहीं कहीं नहीं मिल रही। मुझे नहीं पता, ताकि मेरे बच्चे मेरी अफजा मुझे लाके दे, तुम यहां क्या कर रहे हो, जा देखो। अच्छा संभालो खुद को, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बस आते होंगे वो लोग अभी। कैसे संभालो, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा काम डाउन, काम डाउन। वो सिस्टर सलमान आ गए। सलमान यार तो गिर, फिक्र मत करो, हफ्जा मिल जाएगी, मैंने चारों तरफ नाका लगवा दिया है। ये बताओ तुम्हें किसी पे शक है या किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी? सलमान मेरा किसी से कोई झगड़ा कोई दुश्मनी नहीं। कभी बिजनेस में तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है या इस किस्म का कोई मामला हुआ है? भाभी आपका किसी से कोई झगड़ा? सलमान मैं तुमसे कह रहा हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, होती तो बता देता ना। देखो बिजनेस में ऐसे कुछ कंपटीटर होते हैं जो घात लगाए मौके की तलाश में होते हैं। मैं ये सब कुछ इसलिए पूछ रहा हूँ, इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। आप प्लीज बस मेरी बच्ची मुझे ढूंढ के ला दे, कहाँ है हमारे, हमारी कोई दुश्मनी है किसी से बताओ। आलिया भाभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, आप बेफिक्र होकर कर जाए, तो भाभी को घर लेके जाए, इंशाल्लाह हम हफ्जा को बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। ओके करो जो, ये क्या बात हुई, चलो घर, चलो घर चल के बात करते हैं, चलो। आप इतने सुकून से कैसे ना? ये तुम्हारे सामने बात हुई, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये भाभी पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही, कब से कॉल कर रहा हूं। भाभी अब रो रही हैं? भाभी बताएं तो सही हुआ क्या, रो क्यों रही हैं? कभी क्या हुआ है हफ्सा को? कबीर, हफ्सा कहीं खो गई है, पता नहीं किस हाल में होगी। कबीर, हफ्सा। क्या? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? अच्छा आप मेरी तौकीर भाई से बात करवाएं। चलो, आप भी। कबीर पे एक मिनट में बहुत बैठा है, वो अजीज आप ही बोल रही। तौकीर भाई वो?
क्या हुआ है कबीर? अफसा को क्या क्या कह रहे थे वो लोग? क्या हुआ है? पता नहीं भाभी, रो रही है, कह रही है अफसा कहीं गुम हो गई है। क्या गुम हो गई है? कैसे, क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, तुम पैकिंग करो, मैं देखता हूँ कोई फ्लाइट अगर नेक्स्ट मिल जाए हमें जल्दी। कबीर आप रिलैक्स हो जाए, मिल जाएगी अफसा। हाँ मैं फ्लाइट देखता हूँ, तुम प्लीज पैकिंग करो ना। कबीर जी जी तौकीर भाई, हफ्सा का कुछ पता चला? नहीं कभी तक तो कुछ पता नहीं चला यार। भाई आप आईजी से बात करें ना, पुलिस इस तरह से एक्टिव नहीं होगी। अगर आप कहते तो मैं बात करता हूँ। कबीर सलमान से मेरी बात हुई है, उसने पूरा यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह मिल जाएगी। तुम दुआ करो, मुझे बता तुम्हारी फ्लाइट कब है। भाई बहुत कोशिश करने के बाद सुबह की फ्लाइट मिली है, पैकिंग वैकिंग तो हम सब कुछ कर चुके हैं। कबीर एक मिनट, सलमान की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। हेलो, हाँ सलमान। क्या पहुँच रहा हूँ में? क्या? मैं हाँ मैं बस मैं पहुँच रहा हूँ। ओके खुदा हाफिज़। क्या मैं तो गिर रही हूँ, बच्ची देख तो है ना, मुझे बता तुम्हें पता नहीं किसी हॉस्पिटल में। चलो सलमान साहब किधर है? सर सलमान मेरी बेटी इधर है, मुझे बता दे। सलमान वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो सिर्फ बेहोश है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका। मुझे ना उसके पास ले जाए, वो मुझे देख के ठीक हो जाएगी। कहाँ है? हाली हाली हाली। तौकीर मुझे एकदम उसके पास जाते हैं तो मुझे देख तो ले। थोड़ा सा सब्र करें, दुआ करें इसके लिए। शी इज फाइन नाउ, थोड़ी देर तक आप उन्हें घर ले जाए। कोशिश करें बच्ची का थोड़ा ख्याल रखें, ट्रामा में है वो भी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सलमान ने नई जिंदगी दी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं यार। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। शुक्रिया अदा करना तो मेरा नहीं, ये मुबारक साहब है। शुक्रिया तो इनको अदा करो, ये हफ्जा को हॉस्पिटल ले गए थे। इनका तो एहसान है कि बच्ची को हॉस्पिटल भी लाए और पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म भी कर दिया। जनाब बहुत 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 शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जजा देगा। शुक्रिया किस बात का? आपकी बच्ची आपको मिल गई है, बस इसका ख्याल करें। अल्लाह हाफिज। अलिया क्या हो गया है, अब क्यों रो रही हो? बस तो
मेरे बच्चे को कुछ हो जाता हम क्या करते? नहीं, अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है। हमने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा हमेशा सबका ख्याल रखा। तो अल्लाह ताला हमसे हमारी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज, सबसे बड़ी खुशी कैसे छीन लेते? सब देख रहे, कभी अपने लोगों को मायूस नहीं करते, इसलिए अपने आंसू पोंछो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कि हमारी बेटी हमें वापस मिल गई। सही सही कबीर को बता आपने? हाँ, मेरी हुई थी उससे बात। इनफैक्ट उसी की कौन है, मैं आ रहा हूं। चाचू को मिस किया था बहुत। आइंदा तुम उतरी ना गाड़ी से फिर देखना। भाई क्या हो गया? आग कर से बाय द वे, जब मैंने तुम्हें फोन करके बताया था कि हफ्सा मिल गई है, ठीक है, खैर खैरियत से, तो वापस आने की क्या जरूरत थी? और वो भी इस तरह भागम भाग में। तुम दोनों को कुछ दिन और रुक जाना चाहिए था ना। भाई आप कुछ दिन और रहने की बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे एक मिनट कैसे गुजारा ये मैं जानता हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं किस तरह यहाँ आ जाऊँ? और आप जानते हैं ना, हफ्सा मुझसे कितनी अटैच्ड है, मेरी जान है इसमें। मैं तो कहूंगी कि गलती भाभी की है, चाहे जो भी था इनको खुद जाना चाहिए था अफसा को लेने के लिए। ड्राइवर को भेजने की क्या जरूरत थी, चाहे कितना भी जरूरी काम था। Exactly. मैंने भी इसे यही कहा था कि इसे खुद जाना चाहिए। भाभी ने भी तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अब इंसान का अपने बच्चे से, अपनी औलाद से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता ना। दफा करें बिजनेस वगैरह को, क्यों कबीर? फलक ऐसा नहीं है, भाभी अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हैं, घर की भी और बिजनेस की भी। ये जो सब कुछ हुआ है ना, उसमें गलती मेरी है। अगर मैं यहाँ होता तो भाभी को ये प्रॉब्लम ही ना होती। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी भाभी। आपकी गलती कैसे है, हमारा जाना तो पहले से ही तय था ना। और जो भी है, एक माँ से ज़्यादा अपनी औलाद की जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं उठा सकता, बिजनेस की जिम्मेदारी तो कोई भी उठा लेगा। फलक बिल्कुल ठीक कह रही है, फैमिली हमेशा बिजनेस से पहले आती है। हफ्सा हम सब की जिम्मेदारी है भाई। सिर्फ भाभी की नहीं है। भाभी अब से हफ्सा को स्कूल से मैं पिक किया करूंगा। ओके चलो, अब देर हो गई है, तुम लोग थके हुए हो, आराम कर लो, फिर रात को डिनर पे मिलते हैं। जरूर। कबीर तुम भी चले जाओ ना, अनपैकिंग करनी है, वो अकेले कैसे करेगी, हेल्प करा दूँ। अफसा बेटे इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। भाभी से ये चाय ऊपर ही ले। हाँ थैंक यू, भिजवा देती हूँ। आवाज़ है नसरीन को, चाय ऊपर। नसरीन अगर एक से भले दो कमाएंगे तो हम कंफर्टेबली जिंदगी जी सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं। जब दो लोग अपनी जिंदगी साथ बांट रहे हैं तो खर्चे क्यों नहीं? मैंने अभी आईटी कंपनी स्टार्ट की है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है।
मैंने सोचा था तुम्हें बोलूंगा अपनी कंपनी से एक लोन ले लो। मुझे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नवाल, तुम यहां बैठी हो, मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढ लिया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? इतनी गुमसुम क्यों बेटा? क्या करूं? अम्मी को बता दो अर्शद के बारे में। नहीं, अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती और परेशान हो जाएंगे। तवाल जी, कोई परेशानी है क्या बेटे? नहीं, वो बस सर में दर्द हो रहा था तो मैं यहाँ के बैठ गई। आप बताएं कुछ काम? हाँ, मैं वो डॉक्टर के पास जा रही थी चेकअप के लिए, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लो, तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन अब रहने दो, तुम्हारे सर में दर्द है ना, तुम आराम करो, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, नवी दर्द नहीं होना सर, मैं चलती हूँ आपके साथ। मुझे 5 मिनट दे दे, मैं आती हूँ। श्योर, बिल्कुल। हमजा जी, आज मेरी बात सुने बगैर ना तुम अपने कमरे में नहीं जाओगे। आखिर हुआ क्या, बताएंगे मुझे सब? खैरियत तो है ना? अनजान बन के अपनी तकलीफ में पर्दा नहीं डाल सकते तुम। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि मसला क्या है, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या नाराजगी है बेटा, ये क्या धो रही है? बात करो मुझसे, मैं परेशान हूं। तुम तो अपने अंदर ही कैद हो गए और तुम्हें ऐसे देखा नहीं जा रहा मुझसे बेटा। आखिर हुआ क्या, आप बताएं तो मुझे। बेटा, जब किस्मत एक दर को बंद कर देना तो बार बार उस पर खटखटाना नहीं चाहिए। मैंने कोशिश की ना कि मैं तुम्हारी चाहत को तुम्हारा नसीब बनाऊं, लेकिन नाकाम रही। मैं ये बात समझ गई हूं, तुम भी समझ जाओ बेटा, आगे बढ़ो, मूव ऑन इन योर लाइफ। हिम्मत करो के साथ प्लीज। बेटा, मैंने अरीज को तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे, ट्रस्ट मी प्लीज। लेकिन तुम्हारा ट्रिप तो अभी शुरू हुआ है, इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, आलिया भाभी की वजह से वापस आना पड़ा। वैसे तो बहुत मिस परफेक्ट बनती हैं, पर इनकी गलती का खामियाजा ना हमें भुगतना पड़ा। नहीं, क्या मतलब, क्या हुआ? हफ्सा गुम हो गई थी और अगले ही सेकंड भाभी साहिबा ने कबीर को रोते हुए फोन कर दिया कि अब क्या करेंगे। तो आप खुद बताएं, कबीर वहां रुक सकते थे अगले सेकंड ही? हम वापस आ गए, भले ऐसे कौन करता है। कबीर को फोन कर दिया, इतना भी कोई बड़ा हादसा नहीं हो गया था कि पूरे शहर में ढिंढोरा पीटे, कोई मर थोड़ी गया था, ढूंढ ही सकते थे ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। फलक, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो उनकी इकलौती बेटी है, उनके लिए उसका गुम होना कोई छोटी बात नहीं है। बस कर देना वाला, भी आप नहीं जानती आलिया भाभी की साजिशों को। भला थोड़ा तो सोच लेते, हमारा नई नई शादी हुई है हमारी, मगर नहीं, सबको सिर्फ आलिया भाभी की फिक्र है, हर किसी को तो पीछे लगाए फिरती हैं। खैर, जो भी है ना, घर आके आपसे बात करूंगी। मम्मा को मेरा सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.
आलिया, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ तुम डिप्रेस्ड हो। हफ्सा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। फकीर, मैं हफ्सा की वजह से अपसेट नहीं। फिर किस वजह से अपसेट हो? आपका और मेरा इतना पुराना साथ है, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आप तो गवाह हैं कि मेरी नेचर का हिस्सा है कि मैं अपने इर्द गिर्द सब कुछ परफेक्ट रखना चाहती हूँ। अपना घर, फैमिली, रिश्ते। पलक के मामले में ना मैम फेल हो गई। क्या मतलब? फलक का जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया? मुझे लगता है शायद हमें ना फलक को समझने में हल्की हो गई। बात कर रही थी किसी से फोन पर, मैंने सुना, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि खीर में मुझसे कितनी बदगुमान हो चुकी है। आप जानते हैं, मैं कह रही थी कि मैंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है सिर्फ उसे और कबीर को हनीमून से वापस बुलाने। What? मुझे इस चीज का जितना दुख है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती ये बात। मुझे कबीर जितना अजीज है, मुझे फलक भी उतनी ही प्यारी है। मैं उसके बारे में बुरा चाह भी नहीं सकती और वो पता नहीं क्या क्या सोच रही है। आलिया, आई नो। देखो, वो अभी नई नई इस घर में आई है, उसे थोड़ा वक्त। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे खलूस को वो एक न एक दिन समझ। जस्ट गिव हर सम टाइम। यू नो वेरी वेल, मैं नेगेटिव नहीं हूँ। मैंने फलक को बड़ा पॉजिटिवली डील करने की कोशिश की, मुझे डर सा लगने लगा है कि इन बदगुमानियों की वजह से फलक कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान न करे। भाभी, क्या कहा है फलक ने आपसे? अरे कबीर, तुम कब आए? आओ बैठो। देखें भाभी, अगर आप ना भी बताती तो मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि फलक इतना डार्क कैसे सोच सकती है, और आपने सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी कोई बात थी नहीं जो तुम्हें बताई जाती, बस गलत फहमी हुई है उसको। और मैं उससे बात करूंगी, सब ठीक कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो। नहीं भाभी, आप ठीक करती आई हैं और ठीक करती रही हैं और मुझसे छुपाती रही हैं। मुझे दुख है कि फलक की वजह से आप हर्ट हुई हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। I should talk to her. कबीर, वो कबीर, कबीर बात, कबीर, ये अपनी हरकत की माफी मांगेगी और ये मेरा हुक्म है। मैं ये घर नहीं बेच सकती। फलक तो बहुत अच्छे घर में गई है, उसे पहले इस सब चीजों की क्या जरूरत है? वो तो हिस्सा भी नहीं मांगेगी। मैं इस घर को बेचने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। साथिया, साथिया। क्या कहा है तुमने आलिया भाभी से? क्या मतलब? मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। क्या हुआ है? झूठ मत बोलो। आप देखे जाती हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या गलत फहमी है, क्या बदगुमानी है, मुझे बताओ, मैं क्लियर करता हूँ। कबीर, गुस्सा क्यों हो रहे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या हुआ है?
तुम्हारे लिए ये समझ लेना काफी है कि आलिया भाभी मेरे लिए माँ जैसी हैं। उन्होंने हमारा रिश्ता बहुत मोहब्बत से तय किया है, इसीलिए मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल करो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मेरे नजदीक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है? मैंने इस रिश्ते को कोई इज्जत नहीं दी है। क्योंकि तुम बिला वजह दूसरों से बातें डिस्कस कर रही हो, जिससे आलिया भाभी को बहुत दुख हुआ है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हो गया तो खीर इसको? आलिया उनका आपस का मामला, मैं कैसे समझूं? आलिया आलिया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई या फिर उन्होंने आपके कान भर के भेज दिया। जबान संभाल के बात करो फलक, ये तो आज मैं आलिया भाभी से अगर ना पूछता तो आज भी ना बताती, तुम्हारी हरकतों पर आज भी पर्दा डाल देती। कबीर, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम क्यों इतने वहीं पर हो रहे हो? आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, बहुत सुकून मिल रहा होगा हमें यूं लड़ता झगड़ता देखकर। नहीं फलक, मैं ऐसा तो सोच भी नहीं सकती। झूठ मत बोले, मैंने आपसे क्या कह दिया बताएं कबीर को? झूठ क्यों बोल रही हैं आप? फलक, तभी इससे बात करो। तुम मेरे ही सामने आलिया भाभी को मुजरिम ठहरा रही हो। माफी मांगो इनसे। माफी मांगो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात की माफी? मैं माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा कबीर, अब तुम ही चुप हो जाओ। मुझे किसी माफी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। तुम खत्म करो बस अभी झगड़ा। भाभी, ये अपनी हरकत की माफी मांगेगी और ये मेरा हुक्म है। अच्छा ठीक है, अगर मेरे माफी मांगने से इनका कद ऊंचा हो जाता है तो मैं माफी मांग। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी कि आपको मेरी किसी बात से तकलीफ ना हो। अगर ये जबरदस्ती की माफी थी, ना इंसाफी किया। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कबीर, वो बेचारी बुरा मान गई है। अब जाओ, जाकर उसे मनाओ। देखो प्लीज भाभी, अब मजीद कुछ बुरा ना हो, इसलिए आज जो कुछ हुआ वो ठीक हो। आप रिलैक्स रहे। अब फलक ये जान गई है कि मेरे लिए इस घर में आप क्या है। आलिया भाभी कितनी टॉक्सिक है मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा, मुझे तो बहुत सुलझी हुई लगती है वो। हाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आलिया ऐसी नहीं हो सकती। यही तो मसला, सबके सामने कितनी मीठी बनती है और अंदर ही अंदर कितना जहर पाल रखा है उन्होंने। सब झूठ दिखावा। शादी के बाद हमेशा मेरी खुशियों में रुकावट बनती रही है। वो मुझे कबीर के साथ कुछ देखना ही नहीं चाहती। पता नहीं क्यों इतना जेलस होती हैं। हर वक्त कबीर को उलझाए रखती हैं काम में, उसे मसरूफ रखती हैं ताकि वो मेरे साथ वक्त ही ना गुजार सके। तुमने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया फलक? कैसे बताती, आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। खुद जितना चाहे परेशान थी, मुझे लगा मेरे घर का मामला मैं खुद संभाल लूँ। मेरा अल्लाह ही जानता मैं आलिया भाभी के साथ कैसे गुजारा कर रही हूँ। कबीर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? कबीर, आलिया भाभी के बारे में दो लफ्ज बोल दो तो गुस्सा करने लगते हैं। पूरी तरह से मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बात बात पर मुझसे माफिया मंगवाते, जरा सी भी कोई छोटी बात हो जाए तो जाओ फलक माफी मांगो भाभी से। माफी? तुम कोई लावारिस नहीं हो फलक। मैं खुद जाके आलिया से बात करूंगी, वो ऐसा नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। नहीं मामा, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने बात की तो बात बढ़ जाएगी, पहला वजह मेरा घर खराब होगा। मेरे घर का मामला मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। बस आज दिल भर आया था, आप लोगों से शेयर कर लिया। फलक कोई भी बात दिल में मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। हाँ We'll be right back.
इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है। क्यों? अब पहले तो आप लोग जल्दी शादी के ख्वाहिशमंद थे ना। देखिए आंटी, पहले की बात और थी, अब की और है। मैंने नई कंपनी स्टार्ट की है, मेरी सारी सेविंग्स मेरे नए बिजनेस पे लग चुकी है। अभी मुझे और रकम की ज़रूरत है, उसी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। हमारा घर भी किराए का है, अब अपना घर करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना हमें। सुल्ताना बहन, मेरे पहले बेटे की शादी है और आप जानती हैं माँ को कितना अरमान होता है। मंगनी का तो आपने मना कर दिया था, मगर शादी अब धूमधाम से करूँगी। जी जी, मैं एक माँ के अरमान समझ सकती हूँ बिल्कुल। और तवाल की शादी को लेकर मेरे दिल में भी बहुत सारी ख्वाहिश हैं और मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, हर ख्वाहिश पूरी करूंगी इंशाल्लाह। देखिए आंटी, मैं तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन क्या करूँ, आजकल हालात ही ऐसे हैं। अगर बंदे के पास अपना घर ना हो तो दहेज का सामान भी कचरा बन जाता है। सुल्ताना बहन, असद बिल्कुल ठीक कह रहा, घर की छत अपनी होनी चाहिए। माशाल्लाह नवाल ने यहाँ सुख ही सुख तो देखा है। चीज तो आपकी है, लेकिन सारा कुछ बेटी का ही तो है। क्यों? मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप अपनी प्रॉपर्टी नवाल के नाम कर दें, घर का मसला भी हल हो जाएगा और आपकी जहेज देने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। प्रॉपर्टी? आप असजद की बात सुन के किस सोच में पड़ गई है? खुदा ना खास्ता, आप ये तो नहीं सोच रही कि हमें मकान का लालच है? मैं तो अपने मसले पहले ही बता चुका हूँ, मेरे हाथ तो खाली हैं, आप ही बताएं कैसे खुश रखूंगा मैं इसको। सुल्ताना बहन, असजद बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो भी जमा जत्था था सब कुछ बिजनेस में लग चुका है, बल्कि और भी जरूरत है। देखिए, आप इसे हमारी मजबूरी समझिए। और फिर अगर ये मुमकिन नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं कि शादी को 2 साल आगे कर देते। 2 साल? लेकिन 2 साल तो बहुत लंबा अरसा है नौशीन बहन। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में मैं नमान को उसके अपने घर का होता हुआ देखूं। बस एक यही ख्वाहिश है मेरी। तो फिर ऐसा करिए कि इस घर को बेच दीजिए और उसमें से कुछ रकम बतौर उधार असजद को दे दे। क्या ये आप क्या कह रही हैं? इसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा, दामाद भी तो आखिर बेटे ही होते हैं अगर समझा जाए तो। और फिर मैं ये रकम बतौर कर्ज ही तो कह रही हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा जो कुछ भी है वो मेरी दोनों बेटियों का है। मैं ये घर नहीं बेच सकती। हालत तो बहुत अच्छे घर में गई है, उसे बहरा इस सब चीजों की क्या जरूरत है, वो तो हिस्सा भी नहीं मांगेगी। मैं इस घर को बेचने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। अम्मी, रहने दें इनको, मुझे इनके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बंदोबस्त कर लूंगा। इन्हें लगता है ये मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं। चले उठे, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मुझे बात करने दो। क्या बात करनी है, सब तो हो चुकी है बात क्लियर। और अब रह क्या गया है, हमने इनकी हर एक बात मानी है और हमने एक बात बोली है तो ये 100 बहाने खड़े कर रहे हैं। गुस्सा नहीं करो, मुझे बात करने दो। सुल्ताना बहन, असद की बात का बुरा नहीं मनाइएगा। देखिए, हकीकत में तो जरूरत के वक्त अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। आपकी बात ठीक है, मगर असद ये किसके लिए कर रहा है? नवाल के लिए ना, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। अब फैसला आपके हाथ में, हमें आपके फोन का इंतजार है। चलो।
अच्छा क्या हो गया तुम्हें? ये किस तरह से बात कर रहे थे? वो इस तरह तो तुम बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दोगे। तुम्हारा ये एग्रेसिव रवैया मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अगर मैं अकलमंदी से काम ना निकालती ना तो आज ये मामला हंस गया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था एक ही बात को बार बार रिपीट करना। हमने बॉल उनके कोर्ट में छोड़ दी है, अब उनका जो भी फैसला होगा हमें बता देंगे। सिंपल। इतना सिंपल नहीं है ये मामला जितना तुम समझ रहे हो। मैंने तुमसे कहा था इस मामले को मुझे अपने तौर पे हैंडल करने दो, मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मर्जी चलानी थी। आज ये मामला मैं खुद हैंडल करती तो अब तक तो ये निमट चुका होता। आप फिक्र मत करें, ये मामला भी हो जाएगा, आप बस देखती जाए। मुझे तो लगता है कि वो इनकार कर देंगे। ये सीधी उंगलियों से निकलता नजर नहीं आ रहा। नहीं करेंगे इनकार, मैं जानता हूँ। जब रिश्ते टूटने पर बात आती है तो इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़े से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो सिर्फ एक घर है अम्मा। मैंने तो सोचा था उनसे शादी की बात करूंगी और वो फौरन मान जाएंगे। सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कोई मुतालबा कर देंगे। अम्मी, अजद ने पहले भी मुझसे पैसों की बात की थी। मुझे कह रहा था कि मैं कंपनी से लोन ले लूं, लेकिन तब तक मैं रिजाइन कर चुकी थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नवाल? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अम्मी, कहीं हम मैं अजद और उसकी फैमिली को पहचानने में गलती तो नहीं करती? क्या मतलब? मतलब कहाँ जहेज ना लेने की बात है और कहाँ ये सब? मुझे लगता है वो हमारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहते हैं। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं आज ही आरफा को कॉल करती हूँ। उससे बात करके ही हकीकत पता चलेगी।